हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एमपी बोर्ड क्लास सेवन्थ जनरल इंग्लिश लेसन 15 के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। लेसन 15 है लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज मनु बॉर्न। मनु का जन्म कब और कहाँ हुआ। व्हेन एंड वेयर वाज मनु बॉर्न। तो आंसर देखेंगे दोस्तों, मनु वाज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। मनु वाज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज मनुज फादर्स। वाज मनुज फादर ने मनु के पिता कौन थे। आंसर देखेंगे, मनुज फादर वाज मोरोपंत तामे। कौन थे? मनुज फादर वाज मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे मनु के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज सी मैरिड टू। हु वाज सी मैरिड टू, उनका विवाह किसके साथ हुआ था। आंसर देखेंगे, सी वाज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी। सी वाज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी, उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव। यानी अंग्रेजों ने दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी क्यों नहीं स्वीकार किया। आंसर देखेंगे दोस्तों, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव बिकॉज ही वॉज एन एडॉप्टेड सन। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव बिकॉज ही वॉज एन एडॉप्टेड सन। इन अंग्रेजों ने दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह गोद लिया हुआ पुत्र था या दत्तक पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वेयर द लॉस्ट वर्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। व्हाट वेयर द लॉस्ट वर्ड्स ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। आंसर देखेंगे दोस्तों, द लॉस्ट वर्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई वेयर लेट नो ब्रिटिशर्स टच माय बॉडी। द लास्ट वर्ड्स ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई वेयर लेट्स नो ब्रिटिशर्स टच माई बॉडी। इन्हें महारानी लक्ष्मीबाई के आखिरी शब्द थे, किसी अंग्रेज को मेरा शरीर छूने न देना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, इसके मीनिंग्स देखेंगे इस लेसन के। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना, ACCEPT एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना। एक्टिव ACTIVE एक्टिव यानी सक्रिय। एडॉप्टेड सन ADOPTED SON एडॉप्टेड सन यानी दत्तक पुत्र। एडवांस्ड ADVANCED एडवांस्ड यानी बड़ी। बर्थ BRTH बर्थ यानी जन्म। बोल्ड BOLD बोल्ड यानी निर्भीक। ब्रेव BRAVE ब्रेव यानी वीर बहादुर। ब्रेवली
BREVELY, ब्रेवली यानी वीरतापूर्वक। बिट्स हर लास्ट BREETHEDHERLAST, ब्रिट्स हर लास्ट यानी अंतिम सांस। कंपेनियन COMPANION, कंपेनियन साथी। करीजियस CUREGEOUS, करीजियस यानी साहसी। COUREGEOUSLY, करीजियसली यानी साहसपूर्वक। क्लोज CLOSE, क्लोज यानी घनिष्ठ। कवर्ड CoWARD, कवर्ड एंड कायर। डिस्ट्रेस्ड DISTRESSED, डिस्ट्रेस्ड यानी व्यथित। एम्पायर EMPIRE, एम्पायर यानी साम्राज्य। पॉलिटिकल POLITICAL, पॉलिटिकल यानी राजनीति। इवेंट EVENT, इवेंट यानी घटना। एक्सपेंड EXPAND, एक्सपेंड यानी विस्तार करना। एक्सपायर EXPIRE, एक्सपायर यानी निधन होना। एक्सटीमली यानी EXTREMELY, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक। फियरलेस FEARLESS, फियरलेस यानी निडर। फोर्ट FORT, फोर्ट यानी किला। हॉर्स राइडिंग HORACE, हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी।